Now, student, question number 2, in that third one. What are the equation? X plus y is equals to 0. X plus y is equal to 0. And the second one, 2x minus y is equals to 9. 2x minus y is equal to 9. Okay. Now, student, how to solve first equation? X plus y is equals to 0. This is your equation first. See, तो कैसे आएगा? X is equals to, sorry, हमें y चाहिए student. तो y as it is equal to 0, no need to write 0. This plus x यहाँ पे आएगा minus x. Only, what is the difference between, relation कैसा है? X and y? X अगर negative होगा, तो y क्या होगा? Positive. अगर y positive होगा, तो x क्या होगा? Negative. Same number of opposite sign. See, y equal to x hai, but sif minus hai. If x 1, to y minus 1. Y minus 1, to x plus 1. Sif sign ka change hai. So, bahut hi simple hai. If you take x as 1, 2, 3, 4, so what will be y? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Sif relation kya hai? X is equals to, see, if I take x1, तो y क्या होगा? Minus 1. If I take 2, minus 2. Only sign different, बस. No need to solve here. So, 2, minus 2. 3, minus 3. 4, minus 4. बहुत ही simple था. Now, move to second. 2x minus y is equals to 9. Equation second. यह स्टूडेंट अगेन यहाँ पे y माइनस है तो उसको राइट साइड तो 2x एज इट इज प्लस 9 यहाँ पे शिफ्ट होगा माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस y यहाँ पे शिफ्ट हो गया प्लस y और यू कैन राइट y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9 दिस इज द इक्वेशन. नाउ स्टूडेंट अगर हम और x चूज करेंगे सी माइनस 9 है तो अगर हम x ज्यादा भी लेंगे तो हमको उसमें से 9 माइनस करना होगा. अगर x अगर मैंने 6 भी लिया या 5 लिया 5 टू जा क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन है 5 टू जा 10 और 10 माइनस 9 1 आएगा तो 5 भी लेंगे यहाँ पे x तो भी ज्यादा वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी. सो इट्स अगेन टेक आपको जो लेना है वो लेंगे हम. सी अगर 1 लिया स्टूडेंट 1 लिया तो 2 1 जा 2 तो 2 माइनस 9 कितना होगा माइनस 7 आएगा जो कि थोड़ा बिगर नंबर है 7 6 तक चलेगा चलेगा 7 अगर आपके ग्राफ बुक में 7 तक नंबर है तो आप 7 भी ले सकते हो लेकिन किसी ग्राफ बुक में 6 तक ही है तो आप उसको छोड़ दो दूसरा अगर 3 ले लो तो 2 3 जा 6 6 माइनस 9 3 आता है फिर 4 ले लो फिर 5 ले लो. ओके सपोज इफ आई टेक एक्स एज 3. What is y? 2x minus 9. X मैंने क्या लिया है? 3. तो 2 3 जा. First do the multiplication. 2 3 जा. 6. 6 minus 9. 1 plus 1 minus 6 minus 9. 3. Bigger number sign. Minus 3. 3 minus 3. Now take 4. So y is equals to 2x minus 9. 2 multiply by what is x? 4. 2 4 is 8. 8 minus 9. 9 minus 8. 1. Bigger number sign. Minus 1. If x 4, y minus 1. Now 5. So what is y? 2x minus 9. 2 into 5 minus 9. 2 5 is 10. 10 minus 9 is 1. If x 5, y is 1. Next. 3 से 2 ले लेंगे. 7 तक आएगा. ओके? चलेगा. क्योंकि अगर हम 6 लेंगे स्टूडेंट तो भी चलेगा. x अगर 6 लेंगे तो कितना होगा? 6 2 is 12. 12 minus 9, 3 आता है. If x 6, y 3.
सिक्स और सेवन, उससे ज्यादा हमको बिगर नहीं जाना है। तो सी y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस नाइन, हमने x चूज किया है सिक्स। व्हाट इज टू सिक्स जा, फर्स्ट डू मल्टीप्लीकेशन, टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस नाइन इज थ्री। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। नाउ अगेन मेक द एक्सिस सेम स्केल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड वन वर्टिकल। वन टू थ्री फोर सी फाइव सिक्स है ना, तो और हमको बिगर निकालना होगा। तो सिक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे जितना गैप होता है इक्वल गैप लेना स्टूडेंट, ये आपको ग्राफ बुक में इजीली आ जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज y एक्सिस। सेम वे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ना प्लॉट द पॉइंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? x1 y माइनस वन, x1 y माइनस वन, x2 y माइनस टू, x3 y माइनस थ्री, x4 y माइनस फोर, फोर वन लाइन। अब यहां तक कहां तक एक्सटेंड करना होगा स्टूडेंट? फर्स्ट नाउ मूव टू सेकेंड, x3 y माइनस थ्री, x3 सी वन पॉइंट कॉमन है, x3 y माइनस थ्री, दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन, ये होगा फर्स्ट पॉइंट, दोनों में कॉमन आ रहा है। देन x4 y माइनस वन, x4 ये पॉइंट था स्टूडेंट, y माइनस वन दिस पॉइंट। देन x5 y1, x5 यहाँ पे y1 पॉजिटिव दिस, x6 y3, 3 इज हियर, दिस 1 2 3 4 ये पॉइंट्स। सी x6 y3 यहाँ पे आता है स्टूडेंट, ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बिकॉज ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? एक्स कॉमा वाई, इट इज थ्री माइनस थ्री, फर्स्ट राइट एक्स, एक्स एज थ्री, y as minus 3. So solution of equation is
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू थ्री कॉमा माइनस थ्री. नाउ यू कैन चेक स्टूडेंट इफ एक्स थ्री एंड वाई क्या होगा माइनस थ्री. इन सेकेंड में भी पुट करेंगे यहां पे एक्स थ्री टू थ्री जा यहां पे पुट करेंगे एक्स थ्री टू थ्री जा सिक्स सिक्स माइनस y कितना है थ्री तो सिक्स माइनस थ्री बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो सिक्स प्लस थ्री नाइन हो जाएगा. इज दैट क्लियर बिकॉज y इज माइनस थ्री एक्स इज थ्री टू थ्री जा सिक्स माइनस माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस तो सिक्स प्लस थ्री नाइन. सो आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट. ओके अगेन सिंपल मूव टू फोर्थ वन. सी स्टूडेंट सिर्फ डू नॉट वॉच सिर्फ वॉच करेंगे मूव करेंगे तो इट इज ऑफ नो यूज. आपको लगे बहुत इजी है ईच टाइम इक्वेशन सिंपल है बट स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व. जितना आप सॉल्व करोगे जितना प्रैक्टिस करोगे इट विल डेफिनेटली हेल्प आपको मिलेगी आपके एग्जाम में सॉल्व करने के लिए. सिर्फ आप यहाँ पे वॉच करोगे और मूव करोगे एग्जाम में तो आपको सॉल्व करना है ना तो यू नीड अ प्रैक्टिस. ओके माइनर भी अगर मिस्टेक हो गया प्लस का माइनस माइनस का प्लस तो पूरा होल सम क्या होगा रॉन्ग होगा. हाउ टू प्लॉट द पॉइंट एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हैं. ओके स्टूडेंट सो इट विल जितना आप करोगे उतना आपको इंटरेस्ट भी आएगा समझ में भी आएगा और इट विल अगेन हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. एक्चुअल पेपर में आपको तो बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि आपने इतना टाइम सॉल्व किया है सिर्फ वॉच नहीं किया है. वॉचिंग एंड अगेन पॉज द वीडियो अगेन सी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट डू नॉट कॉपी एज इट इज फ्रॉम द बोर्ड. बोर्ड पर से टीचर ने ऐसे पॉइंट लिया ऐसे पॉज किया और ऐसे से यहाँ से नोट बोर्ड से आपने डायरेक्ट नोटबुक में कॉपी किया. नो स्टूडेंट वॉच वन टाइम टू टाइम जब तक आपको समझ नहीं आता. वंस यू अंडरस्टैंड समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ. ओके नाउ मूव टू फोर्थ वन. ओके स्टूडेंट मूव टू फोर्थ वन. क्वेश्चन नंबर टू इन दैट फोर्थ वन व्हाट इज द इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू दिस इज द फर्स्ट वन एंड सेकेंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री. ओके नाउ कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट राइट एज दिस फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सी वाई निगेटिव तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे ये यहाँ पे तो इट बिकम 3x प्लस टू राइट टू लेफ्ट माइनस टू एंड माइनस वाई प्लस वाई और यू कैन सिंपली राइट y इज इक्वल टू 3x माइनस टू. सो y इज इक्वल टू 3x माइनस टू. अगर आपने वन भी रखा थ्री वन जा थ्री थ्री माइनस टू वन होगा तो टेक वन तो क्या होगा थ्री इंटू वन माइनस टू अगेन डू मल्टीप्लीकेशन थ्री वन जा थ्री माइनस टू इज वन. इफ एक्स वन वाई ऑल्सो वन. सी स्टूडेंट एक्स वन वाई वन सॉल्व करके देखा हमने इंस्टेड ऑफ एक्स राइट वन थ्री वन जा थ्री थ्री माइनस टू इज वन. इफ आई एक्स टेक टू व्हाट इज द इक्वेशन थ्री इंटू टू माइनस टू थ्री टू जा सिक्स सिक्स माइनस टू इज फोर. तो इफ आई टेक एक्स टू वाई विल बी फोर. नो अगर मैं स्टूडेंट थ्री लिया तो वो और वैल्यू इंक्रीज होगा तो अब हमें क्या करना होगा कम वैल्यू लेने का. नाउ टेक वन जीरो जीरो लेंगे तो वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस टू. व्हाट इज एक्स जीरो तो थ्री जीरो 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 माइनस टू माइनस टू जीरो माइनस टू जीरो माइनस टू. नाउ टेक माइनस वन कम वैल्यू. अब हमें पॉजिटिव लेना तो हम सी पॉजिटिव से बिगर आ रहा है तो हम जैसे निगेटिव पे जाएंगे तो फिर वैल्यू क्या होगी कम होगी. सो y इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू थ्री वन जा थ्री
थ्री को प्लस है, वन को माइनस है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस, तो माइनस थ्री माइनस टू, माइनस माइनस प्लस होता है, तो थ्री और टू फाइव, बिगर नंबर साइन माइनस, यस हो गया, बोथ माइनस, माइनस वन माइनस फाइव. नाउ मूव टू दिस इक्वेशन. समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे करना है? सिंपल है, आपको यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो लिखना है, वन बाय वन एक्स पुट करना है, एक्स वन थ्री टू थ्री वन, फर्स्ट डू मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस थ्री माइनस टू, बोथ माइनस, एडिशन होगा लेकिन साइन माइनस आएगी. नाउ हियर सेकेंड, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू थ्री, अगेन टू एक्स माइनस थ्री, प्लस थ्री यहाँ पे आ गया माइनस थ्री, और y यहाँ पे आ गया प्लस y, और सिंपली यू कैन राइट y इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री, तो y इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री. अगर मैंने वन लिया स्टूडेंट, इफ आई टेक वन, वॉट टू इंटू वन माइनस थ्री, टू वन जा टू माइनस थ्री, हाउ मच, टू में से माइनस थ्री, थ्री में से टू माइनस वन, थ्री प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, थ्री माइनस टू वन, बट बिगर नंबर साइन माइनस, इफ एक्स वन वाई माइनस वन. नाउ सेकेंड, इफ आई टेक्स टू, तो वाई इज इक्वल्स टू टू इंटू टू माइनस थ्री, टू इंटू टू फोर, फोर माइनस थ्री वन, तो इफ एक्स टू वाई वन. Now, if I take 3, so y is equals to 2 into 3 minus 3. 2 3s are 6. 6 minus 3, 3. If x 3, y also 3. See, 2 3s are 6. 6 minus 3, 3. Now, last, y is equal to, if I take 0. What is the equation? 2 into 0 minus 3. 2, 0, 0, 0 minus 3, minus 3. इसी में देना आपको 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 0, minus 1, minus 2, minus 3. इसी वैल्यू में से आपको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट, ओके, ज्यादा बिगर नहीं लेना है. ओके, और कैलकुलेशन वर्बली आता है, ओरली आता है, इट इज ओके, देन नहीं आता तो ऐसे सॉल्व करोगे. सिर्फ इक्वेशन में एक्स की जगह पे जो हमने वैल्यू ली है वो पुट करोगे. Then y, 1, 2, 1 is 2, 2 minus 3, minus 1, because 2 is a big, smaller number, 3 is a bigger number, 3 ko minus hai. Now, half done, again, same, plot the, first draw the axis, horizontal axis, that is x axis. Vertical axis. y-axis. Now always right hand side positive. आप बोलो कि टीचर हाउ मेनी टाइम आप बताते हो, इतना इट इज वेरी इजी. नो स्टूडेंट, मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जो हो सकता है बाय मिस्टेक लेफ्ट साइड निगेटिव एंड राइट साइड पॉजिटिव लिखा, मतलब राइट साइड पॉजिटिव, राइट साइड निगेटिव एंड लेफ्ट साइड पॉजिटिव, एंड हियर नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव होता है स्टूडेंट समटाइम, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग मेनी टाइम्स, बी केयरफुल. कभी कभी इजी हो जाता है ना, तो हम इजी में एक्साइटमेंट में हम सब भूल जाते हैं, कितना भी इजी रहो लेकिन हमको काम एंड स्टडी, मतलब फुल फोकस से ही, फुल अटेंशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन से ही करना है. कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी इजी हो, कूल एकदम स्टडी रखिए, डोंट बी ओवर एक्साइटेड और डोंट बी ओवर नर्वस. ज्यादा डिफिकल्ट है तो नर्वस भी नहीं होना है, सिंपल है तो ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है. हर सिचुएशन में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स. फर्स्ट वन वन, एक्स वन वाई वन, देन 2, 4, x2, y4, next,
सी एक्स जीरो मीन्स कहाँ पे आएगा वो वाई एक्सिस पे, वॉट माइनस टू, वाई पे माइनस टू दिस, देन माइनस वन माइनस फाइव, एक्स माइनस वन, सी हमें माइनस फाइव भी चाहिए स्टूडेंट, सो वी हैव टू एक्सटेंड इट, ओके। तो बेटर रहेगा आप पहले ही जितना आपका ग्राफ पेज है आप उतने पॉइंट्स प्लॉट कर लो, तो इट इज माइनस फाइव, तो वन एंड माइनस फाइव, एक्स माइनस वन माइनस फाइव यहां पे आएगा, वन टू थ्री फोर, सी ऑल आर लीनियर कोलीनियर पॉइंट मीन्स पासिंग थ्रू द सेम लाइन, एक ही लाइन से वो पास होंगे, दिस इज नाउ मूव टू सेकेंड वन। इस स्टूडेंट यहां पे आपको लगेगा सब क्रॉस है बट ग्राफ पेपर पे आप एग्जैक्टली इसको ड्रॉ कर पाओगे स्टूडेंट विदाउट एनी मिस्टेक। नाउ मूव टू दिस टेबल, वन माइनस वन एक्स वन वाई माइनस वन दिस, एक्स वन वाई माइनस वन, एक्स टू वाई वन हियर, एक्स टू वाई वन, एक्स थ्री वाई थ्री, देन एक्स जीरो अगेन वाई एक्सिस पे आएगा, एक्स जीरो माइनस थ्री यहां पे आएगा, यस दिस टू पॉइंट मतलब यहां पे वो इंटरसेक्ट होते गए। सी स्टूडेंट दिस पॉइंट इंटरसेक्टिंग अच्छे से आपको बराबर ऑल पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करना है, सी इस तरह से यहां पे इंटरसेक्ट हो गया एट वेर दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स व्हाट दिस इज द पॉइंट वाई वाई माइनस फाइव एंड एक्स माइनस वन, तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स माइनस वन वाई माइनस फाइव, दिस इज एक्स वाई बोथ माइनस, तो व्हाट इज द सोल्यूशन, सी कैसे भी टाइप की ओनली इंटरसेक्शन आपको देखना है कहां पे होता है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज व्हाट एक्स कॉमा वाई दैट इज माइनस वन माइनस फाइव। नाउ चेक, कहीं भी आप डाल के चेक कर सकते हो एक्स कितना है माइनस वन, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस टू माइनस माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू और प्लस फाइव मतलब फाइव में से टू माइनस हो गए थ्री, तो आवर आंसर इज करेक्ट। दैट क्लियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, सेम आपको स्टेप फॉलो करना है, y इन टर्म्स ऑफ x टेक फॉर फोर वैल्यूज ऑफ x देन फाइंड करस्पॉन्डिंग y फॉर बोथ द इक्वेशन, प्लॉट द एक्सेस, प्लॉट द पॉइंट्स, join by line when the two line where the two line intersect is the solution. Is that clear student? Now move to fifth one.